ये 2019 का आगाज है। नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हम हरियाणा की जनता के लोग ये जीत करके 31 जनवरी को नरेंद्र भाई मोदी ने जो आरक्षण स्वर्णों का किया है और उनको अभिनंदन करेंगे, कृष्ण मिड्डा को जीत करके हम नरेंद्र भाई मोदी को ये तोहफा देंगे। तो देखिए, जीत का तोहफा यहाँ पर दिया जाएगा। मिड्डा साहब, आप क्या कहेंगे, नामांकन जो है वो कहीं ना कहीं हो चुका है, किस एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? नामांकन हो चुका है और कहीं ना कहीं आज से ही प्रचार शुरू हो जाएगा, किस तरह देखते हैं अपनी दावेदारी को? बस ये सीट जीत कर माननीय मुख्यमंत्री जी और जो हमारी पार्टी के अध्यक्ष अमराला साहब, इनकी झोली में डालने का काम करेंगे। इसके अलावा कुछ नहीं। आपने देखा है लोगों ने रोड शो में कितना सहयोग किया और कितना जनसमूह था, इससे साफ प्रतीत होता है कि ये सीट भाजपा की झोली में, माननीय मुख्यमंत्री जी की झोली में जाए। दूसरी पार्टियों की बात करें, दिग्गजों को कहीं ना कहीं चुनाव मैदान में उतार दिया, एक तरफ दिग्विजय, दूसरी तरफ रणदीप सुरजेवाला। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद दूसरी पार्टी के पास कोई कैंडिडेट नहीं थे, तब उनको ऐसा करना पड़ा। लेकिन आप नहीं मानते कि भाजपा के पास भी शायद कैंडिडेट नहीं थे, इसलिए आपको दूसरी पार्टी से हायर करके यहाँ पर लेके? नहीं नहीं, मैंने कोई हायर करने वाली बात नहीं, मैंने स्वयं ही अपने पिता के निधन के बाद ये फैसला किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जाऊँगा। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर ये थे कृष्ण मिड्डा जो अपना नामांकन भर चुके हैं। इनका सीधे तौर पर कहना है कि जीत कर ये इस जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में डालने का काम करेंगे। लेकिन देखना यही होगा कि जो दूसरे उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं उनकी दावेदारी पर इनकी दावेदारी कितनी हावी हो पाती है। कैमरामैन मोहन सिंह के साथ विनीत कपूर, लिविंग इंडिया न्यूज़, जींद।